नसीम अब्बास इंग्लिश लेक्चर। शॉर्ट स्टोरी डार्क डेविल एंड गोल्डन नाइट के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसका पहला लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने पढ़ा था। उसमें स्टोरी के हवाले से बात हुई थी, करेक्टर्स के हवाले से बात हुई थी, फिर इवेंट्स कैसे चले उसके हवाले से बात हुई थी। सब्जेक्ट थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने, सब्जेक्ट क्या होता है। उसके साथ हमने सब्जेक्टिव मूड को डिस्कस किया था, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। फिर हमने ट्रांसलेशन थोड़ी सी देखी थी। तो क्या होता है कि वो वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं और उनके साथ क्या होता है, उनकी हालत क्या होती है, लोग भाग जाते हैं उन्हें अकेला छोड़ के, और जो ही वो वहाँ पे पहुँचता है, हैरी जो मेन करेक्टर है उसके बाल फटफड़ा रहे होते हैं और वहाँ जाके वो अनईज यानी अनईजीनेस अनईज का वो इजहार करता है और उसे प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी वो फेस करता है और जाते ही वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसे वो डिसलाइक करता है और परेशान हो जाता है थोड़ा सा, और अपनी बीवी को कहता है कि वापस चलो, मगर वो कहती है कि नहीं हम वापस नहीं जाते। तो फिर उसके बाद वहाँ की जो हवा आबो हवा की सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से थी कि उसके अंदर इतना सख्ती थी उस हवा के अंदर, इतना हैवेनस थी हवा के अंदर कि ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे उनकी शनाख्तों को भी तूफानी किस्म की हवा चल रही थी। तो जो उसके उसकी जहानत और उसके माजी को जलाकर राख कर देगी और उसकी जहानत का खात्मा कर देगी। यहाँ पे हम पहुँचे थे। तो बढ़ते हैं हम अगले अगले हिस्से की तरफ, आगे ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं, तवज्जो रखेंगे बच्चे। दे लुक्ड, उन्होंने देखा, एट द मार्शियन हिल्स, मरीखी पहाड़ियों को, उन्होंने मरीखी पहाड़ियों को देखा। दैट टाइम, अब देखें यहाँ पे जरा ये अहम है, दैट टाइम दे लुक्ड, एट द मार्शियन hills that time आगे बात चले। अब एक और फिक्र के आइस सा एक कार that was, अब इन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, देखिएगा आई सा एक कार वैट, इसमें जो वैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, मगर इसका यहां पे फंक्शन सब्जेक्ट का है जो इस कार की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक हो गया, ये आगे लेके चलेगा, ये फंक्शन करेगा अगले एक्शन का। दे लुक्ड एट द मार्शल हिल्स, उन्होंने अमेरिकी पहाड़ियों को देखा। दैट टाइम, अब यहाँ पे जो दैट है ये सब्जेक्ट नहीं है। ठीक हो गया, क्योंकि इसके साथ ये खड़ा हुआ है टाइम। अब ये टाइम आगे लेके चलेगा बात को, तो ये टाइम ही है। अब यहाँ ये जो होगा ये हम इसे रिलेट तो करेंगे हिल्स के साथ, मगर यहाँ पे ये सब्जेक्टिवली काम नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिवली काम करेगा, यानी ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे काम करेगा। पॉइंट क्लियर? हाँ जी, देखते हैं कैसे। दे लुक्ड एट द मार्शियन हिल्स, उन्होंने मरीखी पहाड़ियों को देखा। दैट टाइम हैड गॉन, जिन्हें वक्त ने, दैट जिन्हें, किन की बात हो रही है, हिल्स की, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, जिन्हें वक्त, दैट टाइम हैड वॉन, वॉन कहते हैं डिस्ट्रॉयड, जिन्हें वक्त ने तबाह कर दिया, विद अ क्रशिंग, क्रशिंग कहते हैं कंप्रेसिंग या क्रैशिंग, प्रेशर कहते हैं हैवीनेस, साल हर साल के जोरदार दबाव ने, दबाव की वजह से वक्त ने क्या कर दिया था, उन्हें तबाह कर दिया था। इसका राम हवराम तर्जमा कुछ आसान यूं करते होते हैं एक्सक्यूज मी, कि उन्होंने मरीखी पहाड़ियों को देखा जिन्हें गर्दिश दौरा की शिकस्त रेख्त ने तबाह कर दिया था। गर्दिश दौरा मीन साल हर साल का गुजरना, शिकस्त रेख्त मीन वो क्रशिंग प्रेशर्स की बात हो रही है, गर्दिश दौरा की शिकस्त रेख्त ने तबाह और बर्बाद कर दिया था। दे सॉ द ओल्ड सिटीज, उन्होंने पुराने शहर देखे, लॉस्ट इन देयर मीडोज, कॉमा लॉस्ट इन देयर मीडोज, ये भी पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल है, कॉमा लाइंग लाइक चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस डेलिकेट बोन्स, ये भी पार्टिसिपल क्लॉज है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब देखेंगे, दे सॉ द ओल्ड सिटीज, उन्होंने पुराने शहरों को देखा, लॉस्ट इन देयर मीडोज, जो अपने सब्जाजारों में गुम हो गए थे, खोए हुए थे, लाइंग लाइक चिल्ड्रंस डेलिकेट बोन्स, जो बच्चों की डेलिकेट कहते हैं फ्रेजाइल या सॉफ्ट नफीस हड्डियों की तरह पड़े थे, अमंग द ग्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास, ग्लोइंग कहते हैं मूविंग,
लेक कहती हैं नदियां, ग्रास कहते हैं घास, घास की लहलहाती नदियों यानी मैदान, घास के लहलहाते मैदानों में बच्चों की नर्म नाजिक हड्डियों की तरह पड़े थे। चिरप हैरी, अब हैरी को मुखातिब करके कह रही है उसकी बीवी, तो जाहिर सी बात है वो केचप ना होना, उससे पहले कॉमा आएगा। चिनप, चिनप का मतलब है बी ब्रेव, तगड़े हो जाओ। चिनप हैरी, हिम्मत रखो हैरी, सेड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है, वी हैव कम ओवर, ओवर मीन मोर देन, वी हैव कम ओवर 60 मिलियन माइल्स, हम यहाँ पे 60 मिलियन से भी ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं या आ चुके हैं। The children with their yellow hair, the children with their yellow hair, holler, holler कहते हैं, shout, holler, shout। यहाँ पे मैं जो बात समझाने जा रहा हूँ, the children with their yellow hair। इसको यूं देखिएगा बच्चे के नाउन और यहां पे दरमियान में प्रपोजिशन, और फिर यहां पे हो गया दो नाउन्स, एक नाउन यहां पे, एक नाउन यहां पे, ये प्रपोजिशन है ठीक, और ये दो कॉम्बिनेशन है, मतलब ये नाउन प्रपोजिशन के साथ जुड़ रहे हैं, प्रपोजिशन के साथ मिल रहे होते हैं। जब भी ऐसा हो तो यहां जो वर्ब होता है वो बच्चे इस नाउन के अकॉर्डिंग होगा ठीक। कैसे, मिसाल देखें बेटा, ही विद हिज ब्रदर्स इज या आर कमिंग, जी बेटे ही प्रोनाउन है, बेसिकली ये नाउन है ठीक हो गया, विद क्या है बेटा प्रपोजिशन है ठीक हो गया, ये देखें ये प्रपोजिशन आ गई, हिज ब्रदर्स, ये जो ब्रदर्स है ये फिर एक नाउन है, तो कॉम्बिनेशन वही है नाउन प्रपोजिशन नाउन, तो वर्ब किसके मुताबिक आएगा, ये वाले नाउन के मुताबिक आएगा, ये जो विद है ये प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद वाला जो हिस्सा होगा वो कंसीडर नहीं किया जाएगा सब्जेक्ट के तौर पे, यानी समझा तो जाएगा सब्जेक्ट वर्ड के तौर पे नहीं लिया जाएगा, जिसके मुताबिक वर्ब आएगा, तो इस ही के मुताबिक ही वर्ब आएगा, तो ही सिंगुलर है प्लूरल है, अब आप बेहतर जानते हैं बेटा ही सिंगुलर है, इज आएगा आर नहीं आएगा, पॉइंट क्लियर हो गया। अब चूंकि यहाँ पे हॉलैंड है सेकंड फॉर्म है, तो हॉलैंड तो सिंगुलर के लिए भी हॉलैंड आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी, और प्लूरल के लिए भी सेकंड फॉर्म आएगी, तो प्रेजेंट में जब आएंगे तो ये सूरत होगी। हाँ जी, द चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर, पीले बालों वाले बच्चे या पीले बालों के साथ बच्चे, हॉलैंड शाउटेड, चिल्लाए एट, एट मकाम के लिए, प्लेस के लिए, एट द डीप डीप वसी और इज ब्रॉड डोम कवरिंग, मेहराबी शक्ल जिसे कहते हैं, गुंबद जिसे कहते हैं, ऑफ द मार्शियन स्काई, मरीखी आसमान, मरीखी आसमान की वसी और इज मेहराबी छत के नीचे पीले बालों के साथ बच्चों ने शोर मचाया या हल्ला गुल्ला के धार धार की, यानी कि रोने वाली कैफियत है, शोर मचाया। There was no answer, कोई जवाब ना आया, but the racing, racing कहते हैं gusting, यानी साए साए की, हिस हिस सनसनाहट कहते हैं, racing कहते हैं तूफानी,
हिस कहते हैं सनसनाहट, तूफानी सनसनाहट ऑफ विंड, हवा की, यानी जोरदार जो हवा चलती होती है, हवा की तूफानी सनसनाहट थ्रू द स्टिफ, स्टिफ कहते हैं हार्ड, सख्त, अकड़ी हुई ग्रास, घास, अकड़ी हुई या सख्त घास में से सिवाय हवा की तूफानी सनसनाहट के कोई जवाब ना आया। He picked up the luggage, उन्होंने उसने सामान उठाया, in his cold hands, अपने frozen हाथों में, सर्द जमे हुए जो हाथ थे उसके, उन हाथों में उसने सामान उठाया। Here we go, हम चलते हैं, he said, उसने कहा, dash, फिर explanation, further information मिल रही। A man, एक ऐसे आदमी की तरह, standing, जो खड़ा हो, on the edge, edge कहते हैं वर्ज, किनारा, आप सी समंदर के, जो समंदर के किनारे खड़ा हो, एक ऐसे आदमी की तरह, उसने कहा, जो समंदर के किनारे खड़ा हो, ready to wade in कहते हैं enter, ready to wade in, अंदर समंदर में अंदर जाने के लिए तैयार, and be drowned, drowned कहते हैं submerged या drenched, ये डूब जाना, और डूब जाने के लिए समंदर में दाखिल होने के लिए और डूब जाने के लिए तैयार। एक ऐसे आदमी के तौर पे उसने कहा हम यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, जो समंदर के किनारे समंदर में उतरने और डूब जाने के लिए तैयार हो। They walked into town, वो movement है, वो चलते चलते कस्बे में पहुंच गया या वो कस्बे में चले गया। Their names were bittering, bittering चूंकि सरनेम है इसीलिए उनके जो नाम थे वो bittering, यानी Harry bittering, his wife Cora bittering, फिर Dan bittering, फिर Laura bittering, फिर David bittering, ये सारे bittering family, एक सरनेम होता है जैसे फैमिली होती है आमतौर पे, जैसे राइन फैमिली है, भट्टी फैमिली है, सैयद फैमिली है, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, दे बिल्ट अ स्मॉल व्हाइट कॉटेज हट, कॉटेज मीन हट, उन्होंने एक छोटी सी सफेद कुटिया झोपड़ी बनाई, एंड एट गुड ब्रेकफास्ट्स देयर। अब ब्रेकफास्ट्स है, इसका मतलब क्या है कि बहुत से नाश्ते किए और उन्होंने वहां पे कई नाश्ते किए, यानी कई दिन गुजर गए। बट द फियर वॉज नेवर गॉन, मगर खौफ बिल्कुल ना गया। इट ले सेकंड फॉर्म है लाई की, पड़ा होना, इट लाई ले लेन वाला जो होता है, और ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, और एक लाई झूठ बोलना होता है वो भी इंट्रांसिटिव होता है, एक होता है ले, ले होता है अंडे देना या फैलाना, वो ट्रांसिटिव वर्ब होता है, और उसकी लेट लेट लेंग होती है वर्ब फॉर्म्स। ये लाई ले लेन वर्ब फॉर्म्स है, तो इतले ये पड़ा था, ये होता था, ये मौजूद था विद मिस्टर एंड मिसेस बिटरिंग, मिस्टर और मिसेस बिटरिंग के साथ मौजूद था। ए थर्ड अनबिडन अनवेलकम, बिन बुलाए, ए थर्ड अनबिडन पार्टनर, एक तीसरे बिन बुलाए साथी के तौर पे, एट एवरी मिडनाइट टॉक, हर आधी शब या हर मिस शब की गुफ्तगू पर, एट एवरी डॉन अवेकनिंग, डॉन कहते हैं डे ब्रेक, यानी शुभ सादिक, और शुभ सादिक जागने के वक्त, ये तीसरे अन बिन बुलाए मेहमान की तरह मिस्टर और मिसेस बिटरिंग के साथ रहा। आई फील लाइक, अब देखिए क्या सूरत हाल है, फियर है, चेंजिंग, वो सामने फिजिकली देख रहे हैं कि क्या क्या चेंजिंग, क्योंकि वो अभी अर्थ से गए थे, तो अर्थ में जो कुछ था वहां उलट था, तो वो चेंज चीजें देख रहे थे, तो अब वो क्या कर रहे, अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं। आई फील लाइक अ साल्ट क्रिस्टल, क्रिस्टल कहते हैं मिनरल, एक कलम जो होती है सफेद, सॉफ्ट किस्म की, शफाफ किस्म की कलम। आई फील लाइक अ साल्ट क्रिस्टल, मैं महसूस करता हूँ अपने आप को एक नमक की कान की तरह, उसने कहा, ही सेड, उसने कहा। अब देखिए, पहले रिपोर्टेड, फिर रिपोर्टिंग, फिर रिपोर्टेड, तो ये इसको भी हम कन्फ्यूजन में पहले समझ चुके हैं। आई फील लाइक अ साल्ट क्रिस्टल, मैंने अपने आप को एक नमक की कान की तरह महसूस किया, सेड, उसने कहा। इन अ माउंटेन स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन ब्रोक, महसूस किया अपने आप को, मैंने खुद को एक पहाड़ी नदी में नमक की कान की तरह घुलते हुए महसूस किया, उसने कहा। We don't belong here, हमारा यहां से कोई ताल्लुक नहीं है। बिलोंग के बाद आप टू नहीं लगाते आमतौर पे, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी खास सेक्ट या किसी खास तंजीम के साथ आप अपना रिलेशन शुरू करते हैं, तो फिर आप बिलोंग टू कहते हैं, अदरवाइज आप बिलोंग के साथ टू नहीं लगाते।
वी डोंट बिलोंग हियर, हमारा यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है, हम यहाँ से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वी आर अर्थ पीपल, हम जमीनी लोग हैं, दिस इज मार्स, ये मरीख है, इट वॉज मेंट फॉर द मार्शियंस, ये मरीखियों के लिए बनाया गया, फॉर हेवन्स सेक, थोड़ा एड्रेस कर रहे, जाहिर एड्रेस से पहले कोई कौन आएगा, फॉर हेवन्स सेक, खुदा के वास्ते कोरा, लेट अस बाय टिकट्स फॉर होम, आओ घर के लिए टिकटें खरीदते हैं. Still he is showing a resistance. अभी भी वो resistance show कर रहा है, अभी भी उसका दिल नहीं मान रहा कि उसे यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ देख रहा है वो different चीजें हैं, वो ऐसी चीजें हैं जिनका वो आदि बिल्कुल नहीं था. But she only shook her head, मगर उसने अपना सर नफी में हिलाया. One day, excuse me, एक दिन the atom bomb will fix. Fix का मतलब punish. The atom bomb will fix the earth. एक दिन atom जो bomb है वो जमीन को मजा चखाएंगे. Then we will be safe, safe, secure. Then we will be safe here. तब हम यहाँ पे secure होंगे, महफूज होंगे. Safe and insane. महफूज और दीवाने, पागल. Insane, पागल, दीवाने, fool जिसे कहते हैं. Nonsense. मुझे काफी इस बात है. Mr. Bittring looked out of the windows. Mr. Bittring ने खिड़कियों से बाहर देखा. We are clean. We are clean, decent people. हम साफ सुथरे और decent mean kind, नफीस लोग हैं. He looked at his children. उसने अपने बच्चों की तरफ देखा. All dead cities have some kind of ghosts. तमाम मुर्दा शहर किसी न किसी किस्म के ghost mean मतलब एक देव समझ लें या एक जैन समझ लें या एक भूत प्रेत समझ लें. एक भूत होते हैं in them, उनमें भूत का मतलब memory, याद. All dead cities have some kind of ghosts in them. तमाम मुर्दा जो शहर होते हैं, जो तबाह और बर्बाद हो चुके होते हैं शहर, उन तमाम शहरों में किसी न किसी किस्म के भूत भूत प्रेत होते हैं. Memories, I mean, मेरा मतलब है यादें. He stared at the hills. पहाड़ियों को घूरा उसने. You see a staircase? Staircase, ladder, मतलब सीढ़ी जो होती है जो ऊपर ले जाती है. You see a staircase? तुम एक सीढ़ी देखते हो एंड यू वंडर, और तुम सोचते हो व्हाट द मार्शियंस लुक्ड लाइक क्लाइंबिंग इट, के इस पर मरीखी लोग चढ़ते हुए कैसे दिखाई देते होंगे या कैसे दिखाई देते थे. अब कैसे हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन वहां व्हाट खड़ा है, अंडरलाइन करें व्हाट को बेटा, और आगे लाइक है व्हाट लाइक. अब ये जो शहर है व्हाट लाइक, ये हम वहां यूज करते हैं जो चीजें जैसे ये है ना बट द मार्शियंस लुक्ड लाइक, यानी बट लाइक ये कॉम्बिनेशन है जो चीजें हैं. थिंग्स दैट डू नॉट चेंज, थिंग्स दैट डू नॉट चेंज, जो चीजें बदलती नहीं है, मतलब एक चीज हो गई हैपनिंग होगी तो वो बदलेगी नहीं, जाहिर सी बात है. तो सो इज द केस विद व्हाट लाइक. जब हम इमोशंस की बात करते हैं, क्योंकि इमोशंस जो होती हैं बच्चे वो बदलती रहती है. हाउ डू यू लाइक, अब वहां पे व्हाट डू यू लाइक नहीं, हाउ डू यू लाइक करेंगे हम, हाउ डू यू फील करेंगे हम, व्हाट डू यू फील नहीं करेंगे, कहेंगे हम कहेंगे हाउ डू यू फील, क्यों, क्योंकि फीलिंग्स इमोशंस बदलते रहते हैं. अब ये जो एक चीज हो गई वो बदली नहीं जा सकती, और जो चीज बदली नहीं जा सकती उसके लिए व्हाट लाइक का इस्तेमाल किया जाता है. यू सी अ स्टेयरकेस, तुम एक सीढ़ी को देखते हो एंड यू वंडर, और तुम सोचते हो व्हाट द मार्शियंस लुक लाइक क्लाइंबिंग इट, मरीखी लोग इस पर चढ़ते हुए कैसे दिखाई देते थे. जो हो गया सो हो गया, आप उसे बदला नहीं जा सकते. यू सी द मार्शियन पेंटिंग्स, तुम मरीखी मुसफरी हो यानी मुसफरी को देखते हो, तस्वीरों को देखते हो एंड यू वंडर, और तुम सोचते हो व्हाट द पेंटर वाज लाइक, व्हाट लाइक, व्हाट द पेंटर वाज लाइक, कि जो मुसव्वर था वो कैसा था. You make a little ghost in your mind. तुम अपने ज़हन में एक एक छोटा सा तस्वीरी खाका बनाते हो. A memory, एक एक याद, एक माज़ी की याद बनाते हो. It's quite natural. ये बिल्कुल फितरी बात है. Imagination, तस्वीर. He stopped. वो रुका. You have not been crawling up in those ruins. Crawl up कहते हैं, crawling कहते हैं, roaming घूमना फिरना. You have not been. अच्छा पिछला जो सेंटेंस है ना ये इसमें ये जो है यू मेक ए लिटिल गोस्ट इन योर माइंड, इससे पिछली जो लाइन है यू मेक अ लिटिल गोस्ट इन योर माइंड कामा ए मेमोरी, लिटिल गोस्ट ये एपोजिशन है. आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था आपको, कि जब एपोजिशन एंड में चला जाता होता है
तो फिर क्या होता है, फिर उससे पहले काम आता है, अगर दरमियान में अपोजिशन खड़ा होता है तो दोनों साइड पे काम आता है। ठीक हो गया। तो ये देखिए मेमोरी कौन है, मेमोरी ये बेसिकली वो गॉस की बात कर रहे हैं। अच्छा यू हैवंट बीन क्रॉलिंग अप इन दोज रुइंस, तुम उन खंडरात में आवारा नहीं फिरते रहे हो। हैव यू, क्या तुम फिरते रहे हो, टैग क्वेश्चन, हैव यू टैग क्वेश्चन। याद करें आप पिछले लेक्चर्स के, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो जो टैग क्वेश्चन होगा वो पॉजिटिव होगा, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा। स्टेटमेंट नेगेटिव है, यू हैव नॉट आया हुआ है, तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव चला जाएगा। नो पापा, नहीं पापा। डेविड लुक्ड एट हिज शूज, डेविड ने अपनी जूतों को देखा। सी दैट, सी इंस्ट्रक्शन के लिए, सी दैट देखो, यू स्टे अवे फ्रॉम देम, उनसे दूर रहना। पास द जैम, पास द जैम, पास द जैम। अब जैम जैसे हम आमतौर पे कहते हैं पास द साल्ट, नमक मेरी तरफ, मुझे नमक दो, नमक वहां से उठा के दो, और जैम इसका मतलब ये नहीं है पास द जैम मतलब जैम मेरी तरफ उठा के दो, जैम का मतलब ट्रिपल भी होता है। मुश्किल वक्त को जैसे तैसे गुजारो, इडियम है मुश्किल वक्त को जैसे तैसे गुजारो। मुश्किल वक्त को गुजारो, जैसे तैसे मुश्किल वक्त को गुजारो, पास दी जैम, मुश्किल वक्त को, कड़े वक्त को जैसे तैसे गुजारो। जस्ट द सेम, ऐसे ही होगा, सेड लिटिल डेविड, छोटे डेविड ने कहा। आई बेट समथिंग हैपेंस, आई बेट समथिंग हैपेंस। अब जरा इसको देखो बेटे, आई बेट समथिंग हैपेंस, आई बेट समथिंग happens. I bet something happens. अब ये जो फिक्र है ये present simple फिक्र है, यानी कि present का फिक्र है। ठीक हो गया। अब present के बच्चे मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं जो कि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको भी उठाएंगे, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, टेंसेस के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, उनके इस्तेमालात पढ़ेंगे। इसका जो एक इस्तेमाल है प्रेजेंट का, वो प्रिडिक्शन के लिए भी होता है, यानी प्रेजेंट टेंस प्रिडिक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता होता है। प्रिडिक्शन पेशीन गोई जिसे कहते हैं, पेशीन गोई, और ये भी पेशीन गोई कर, आई बेट में शर्त लगाता हूं समथिंग हैपेंस, कुछ ना कुछ वाक्य होगा, पेशीन गोई के लिए इस्तेमाल कर रहा है प्रेजेंट टेंस। समथिंग हैपेंड दैट आफ्टरनून, और उस सहपहर कुछ रूनुमा हुआ था। लौरा स्टंबल्ड स्टैगर्ड, लड़खड़ाना। लौरा स्टंबल्ड थ्रू द सेटलमेंट, कॉलोनी को कह सकते हैं, कम्युनिटी को कह सकते हैं। कॉमा क्राइंग, फिर वही पार्टिसिपल आ गया, क्राइंग, रोते हुए लौरा आबादी में से गिरते पड़ते आई। शी डैश्ड, डैश मीन रन वेरी फास्ट, शी डैश्ड, शी रैन ब्लाइंडली ऑनटू द पोर्च, पोर्च मीन स्टूप, यानी देवड़ी जिसे कहते हैं, जो दहलीज होती है, दहलीज के ऊपर अंधाधुंध भागते हुए आई। मदर फादर द वार अर्थ। नाउ इस सेंटेंस को आप देखेंगे और आपको समझ आएगा कि फियर क्या होता है, कि जब इंसान फियरफुल होता है, इंसान फियर में होता है, उससे सेंटेंस सीधे भी अटर नहीं हो पाते, वो सही सही सेंटेंस मुंह से निकाल भी नहीं सकता। मदर फादर द वार अर्थ, बेसिकली वो कहना क्या चाह रही थी कि जमीन पर जंग छिड़ गई है, लेकिन उसने पूरा सेंटेंस नहीं बोला, ना वो बोल पाई, इसकी वजह से, फियर की वजह से। अम्मी अब्बा जंग जमीन, शी सॉट, उसने सिस किया नहीं, क्राइट रोई। रेडियो फ्लैश, फ्लैश मीन फ्लैश, फ्लैश रेडियो फ्लैश, फ्लैश मीन रे, रेडियो फ्लैश रेडियो की खबर जस्ट के मध्य अभी आई। एटम बॉम्ब्स हिट न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क पर एटम बॉम्ब्स से हमला हुआ। ऑल द स्पेस रॉकेट्स हैव ब्लोन अप, ब्लोन अप मीन एक्सप्लोडेड, तबाह हो गए सारे के सारे रॉकेट्स जो थे, स्पेस रॉकेट्स, खलाई रॉकेट तबाह हो गए। नो मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर, अब हमेशा हमेशा के लिए मरीज के लिए कोई रॉकेट नहीं आएगा। ओह हैरी, ओह हैरी, द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉक्टर, होल्ड ऑन टू, कहते हैं लिपट जाना, उसकी माँ अपने शोहर और
माँ अपने शौहर और बेटी को लिपट गई, आर यू श्योर लौरा? लौरा क्या तुम्हें यकीन है? Asked the father quietly, silently, खामोशी से पूछा। लौरा वेप्ट, लौरा रोई, वी आर स्ट्रैंडेड ऑन मार्स, स्ट्रैंडेड यानी स्ट्रैंड का मतलब होता है फंस जाना, हम फंस गए हैं, हम लॉक्ड हो गए हैं, लॉकडाउन जिसे कहते होते हैं, लॉकडाउन एक ऐसा वर्ड है जिसे हर बंदा जानता है आजकल। वी आर स्ट्रैंडेड ऑन मार्स, हम मरीक पर फंस गए हैं, फॉरएवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर तक, देयर वाज ओनली द साउंड ऑफ द विंड, साउंड ऑफ द विंड, हवा की साई साई की आवाज थी। इन द लेट आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून ढलती सतह, ढलती सतह के वक्त काफी देर तक सिर्फ या फकत हवा की साई साई की आवाज थी। अलोन थॉट बिटवीन, तन्हा बिटवीन सोचता रहा। ओनली अ थाउजेंड ऑफ अस हियर, फकत हम 1000 लोग यहाँ पे हैं। नो वे बैक, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, नो वे कोई रास्ता नहीं, नो वे कोई तदबीर नहीं। स्वेट पोर्ड आउट, स्वेट पसीना, पोर फ्लो कहते हैं, पोर बाहर निकलना। स्वेट पोर्ड आउट फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे से पसीना टपक पड़ा। एंड हिज हैंड्स, और उसके हाथों से। एंड हिज बॉडी, और उसके जिस्म से। ये एंड एंड कंस्ट्रक्शन याद होगा। विफ्ट एंड विफ्ट, बच्चा क्राइड एंड क्राइड 6 साल की उम्र में। पिछले मैं शॉर्ट स्टोरी की बात कर रहा हूँ, प्लेनिंग इन द स्काई की। अभी आप देखें क्या कह रहा है कि हिज फेस एंड हिज हैंड्स एंड हिज बॉडी, इम्फेटिक सेंस है वो, मतलब पसीना बहुत ज्यादा बह रहा है, इस सेंस में वो कह रहा है। नो यू आर लाइंग, नहीं तुम झूठ बोल रही हो। द रॉकेट्स विल कम बैक, रॉकेट्स वापस आएंगे। इंस्टेड, बजाय ही स्ट्रोक्ड लौरास हेड अगेंस्ट हिम एंड सेड, यानी बजाय ये सारा कुछ करने के वो उसे मारना चाहता था, पीटना चाहता था, रोना चाहता था, धार धार करना चाहता था, इन तमाम की बजाय ही स्ट्रोक्ड लौरास हेड। स्ट्रोक कहते हैं जेंटली टच, यानी टच जेंटली, यानी सीने से लगाना, आहिस्ता आहिस्ता प्यार से सहलाना जिसे कहते हैं। He stroked Laura's head against him. उसने अपने सीने पर लौरा का सर रखा and said, और कहा, the rockets will get through. Get through mean reach. The rockets will get through someday. यानी किसी दिन, in future, किसी दिन, किसी न किसी दिन rockets आएंगे। Father, what will we do? हम क्या करेंगे? Go about our business. हम अपना काम करेंगे। Of course, यकीनन, raise crops, फसलें उगाएंगे, and children, और बच्चों की परवरिश करेंगे, wait, इंतजार करेंगे, keep things going on, और चीजों को जैसे चल रही है वैसे होने देंगे, until the war ends, जब तक जंग खत्म नहीं हो जाती, and the rockets come again, और rockets दोबारा नहीं आ जाते। The two boys stepped out onto the porch, बाहर गए, दहलीज से, step out mean moved, बाहर गए। Children, he said, sitting there, participle clause हो गई, sitting there, वहाँ बैठते हुए, looking beyond them, उनके पीछे तक देखते हुए, उसने कहा, बच्चे, I have something to tell you, मेरे पास तुम्हें कुछ बताने के लिए है। We know, हम जानते हैं, they said, उन्होंने कहा, बच्चे बड़े लहीन होते हैं, और वो उन्होंने भांप लिया कि बाप उनका क्या कहने वाला है। He looked with dismay, dismay mean ये agitation जिसे कहते हैं, disappointing feelings होती हैं, disappointment कहने उसे, उसने मायूसी के साथ at their house, उनके घर को देखा। Even the house, हत्ता के जो घर थे वो भी मतलब बदल चुके थे, कहने का मतलब ये है, the wind has done something to it, हवा ने इनके साथ कुछ ना कुछ किया है, the air has burned it, हवा ने इन्हें जला दिया है, the fog at night, और रात के वक्त जो fog थी, ये सारे इनमें verbs नहीं है, non-sentence, याद होगा term, अगर आप पीछे याद करें कोई पिछले lectures में, तो मैंने non-sentence की बात की थी, कि बात समझ आ रही होती conversation के दौरान, मगर पूरा उसमें verb नहीं होता, और पूरा sentence नहीं होता। The fog at night, रात के वक्त कोहर, इसकी वजह से भी मसला हुआ होगा। The boards, तख्ते, all warped out, warped out mean distorted, upshape, यानी उनकी शक्लें तबाह हो गई। It's not an earthman's house anymore, मज़ीद ये अब किसी ज़मीनी बंदे का घर नहीं लगता। Oh, your imagination, अब उसका जवाब दे रहा है पीछे जो बच्चों ने क्या कहा था, we know, हम जानते हैं, they said, उन्होंने कहा, Oh, your imagination, क्या कह रहे तुम्हारे तसव्वुर के। He put on his coat and tie, उसने अपना कोट और टाई पहना। I am going into town, मैं कस्बे में जा रहा हूँ। We have got to do something now, अब हमें कुछ करना होगा। I'll be back, मैं वापस आ जाऊँगा। Wait, Harry, मुखातिब करे इसलिए कौम है, रुको Harry, his wife cried, उसकी बीवी चिल्लाई, but he was gone, मगर वो जा चुका था, In town on the shed will step, यहाँ से बेटे हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, और इसमें जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं ट्रांसलेशन के हवाले से, ये जो इसी
पेज का जो पेज नंबर 19 मेरे पास है, नॉनसेंस मिस्टर विट्रिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडोज, ये ट्रांसलेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और द विंड ब्लू एज इफ टू फ्लेक देयर आइडेंटिटीज, पहले पेज पे दूसरा जो पैराग्राफ है वो, और ऊपर जो द रॉकेट से लेकर मार्शल क्लाइम्स तक, ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए अहम है। पंक्चुएशन हम साथ साथ कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हम करेंगे, ग्रामर की छोटी छोटी चीज़ें वो भी देख रहे हैं, आप इन्हें राइट डाउन करेंगे बेटे घर में, प्रैक्टिस करेंगे इनको जितना आप हो सके प्रैक्टिस करेंगे, किसी किस्म का कोई सवाल होगा आप ज़रूर रब्ता करेंगे, सवाल पूछ सकते हैं आप, और नेक्स्ट लेक्चर तक इंशाल्लाह मिलेंगे, खुदा हाफिज़, थैंक यू।